घुटनों के दर्द में कौन कौन से योग अभ्यास या कौन कौन सी एक्सरसाइज ना करें, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, ऐसे आप कितने आसन का नाम याद रखोगे कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो आज मैं कुछ रूल्स बता देता हूं कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो उन रूल्स को याद रख के आप किसी भी आसन में पहचान कर सकते हैं खुद से ही कि क्या मैं ये आसन कर सकता हूं या ये आसन नहीं कर सकता हूं। तो शुरू करेंगे अपनी वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो घुटनों के दर्द में कौन कौन से अभ्यास ना करें, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, किसी भी प्रॉब्लम में हम क्या करें, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या ना करें। क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता क्या ना करें तो आप गलतियां करते रहेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, कुछ रूल्स याद रखिए, मैं बता देता हूँ। घुटनों का अगर आपको दर्द रहता है, चाहे वो आपको किसी इंजरी की वजह से हुआ है, ACL में प्रॉब्लम है, PCL में प्रॉब्लम है, लिगामेंट में किसी भी, या फिर आपका कार्टिलेज कम हो गया, उन सब में देखिए सबसे पहला रूल, आपको कोई भी जंपिंग नहीं करनी, चाहे वो जंपिंग जैक हो, रनिंग हो या जॉगिंग हो, नहीं करनी। अगर घुटनों में दर्द रहता है तो उसको आपको करना है अवॉइड, पूरी तरह से अवॉइड करिए। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जहां पे भी जंपिंग है हमें वो नहीं करना घुटनों में अगर दर्द है तो। अब नंबर टू, जिस भी अभ्यास या एक्सरसाइज या योगासन में आपके घुटने बैंड हो रहे हैं, ये देखिए घुटने बैंड हो रहे हैं, तो घुटने बैंड होते वक्त एक रूल याद रखिए कि ये घुटने आपके यहां से ये 90 डिग्री से नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर ये नीचे गए तो ये प्रॉब्लम है, ये वाला एंगल देखना होता है, तो मतलब ये नहीं करना। 90 डिग्री तक है या उससे ऊपर है तो ठीक है, तो आप कर सकते हो, उससे आपकी नी को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नीचे गए तो प्रॉब्लम है, ऊपर है 90 डिग्री से तो ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी में तीसरा, जब भी आप घुटने मोड़े, ध्यान रखो जब भी आपके घुटने मोड़े तो आपके घुटने आपके टो को क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ स्क्वाट कैसे करते हैं, वो ऐसे जाते हैं एकदम, तो देखो ये क्या हो रहा है, घुटने आपके टो से आगे निकल रहे हैं, ये सीध नाप लो आगे, ये नहीं करना, इसको थोड़ा सा पीछे गए, ये एंकल की सीध में रखिए, हिप थोड़ा पीछे करो, इस तरह पुश करो, मतलब ये घुटने आपके टो को क्रॉस ना करें, एंकल की सीध में रहे। और एक और रूल कि जिस साइड आपका टो फेस कर रहा है उसी साइड घुटना फेस करेगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे करते हैं, तो देखो टो इधर फेस कर रहा है, घुटना इधर फेस कर रहा है, नहीं, टो फेस कर रहा है जहां वहीं पे घुटना फेस करे। ठीक है, तो ये रूल आप याद रखिए। अब इन रूल्स से अगर आप याद रखेंगे तो देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट में आप खुद बताएंगे कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखो जैसे वॉरियर टू ही है, इसमें भी घुटना मुड़ता है, आप देख के मुझे बताइए सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है और आपका घुटना आपके टो को क्रॉस कर रहा है, तो गलत, ऐसे नहीं करना है ना, आप जरा कमेंट करके बताइएगा। तो ये नहीं करना, हाँ अगर इसको आप यहां करते हैं, इसकी सीध में है, ये 90 डिग्री से ऊपर है या 90 डिग्री भी है या और बॉडी एकदम सेंटर में है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अभ्यास बता देता हूं, जैसे आप वॉरियर वन ही कर रहे हो, ये देखो इसमें बताइए ठीक है या गलत है। ठीक है, एकदम सीध में है और ये 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री है तो ये ठीक है, पर ये ठीक नहीं है, इसमें दर्द आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा मुड़ रहा है ना और ये टो से क्रॉस कर रहा है। अब इसी में एक मैं देखता हूँ, सूर्य नमस्कार बहुत लोग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोग ऐसे गए और ये पैर ऐसे लाते हैं, ये देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया और घुटना टो से आगे जा रहा है, तो घुटने में प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप क्या करो, आगे लाओ इस तरह से, देखे ये इन लाइन है और यहां से 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इस तरह से अभ्यास करें। और कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे आप वज्रासन में बैठे हैं, बैठ सकते हैं नहीं, जरा देखो सोचो, 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहा है, नहीं बैठ सकते। बटरफ्लाई, इसमें भी घुटने मुड़ रहे हैं ना, बट 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहे हैं, मतलब नहीं कर सकते।
ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो जाता है, देखो जितने भी अभ्यास कर रहे हैं। और उसके बाद एक और समझिए, ये हुआ, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते जरा बताना मुझे, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप योग अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है जी। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जैसे उन क्वेश्चन को पढ़ के मैं उनका जवाब दे सकूं। तो कैसी लगी है वीडियो, प्लीज़ वीडियो पे ये ज़रूर बताया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता और वो गलती करते रहते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाते, ठीक है। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।